नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से विदेश नीति को तवज्जो दी है, इसका नजारा वो पहले ही पेश कर चुके हैं। तमाम अपने पड़ोसी मुल्कों की वो लगातार यात्रा करते रहे हैं और अब इससे पहले भी वो कई विदेशी देशों की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल पर, जो कि पहले से ही भारतीय अगर तरजीह की बात की जाए तो उसमें काफ़ी अहम स्थान पर रहा है, नेपाल यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। उम्मीद ये है कि क्या जो रिश्ते हैं उनमें और ज़्यादा सुदृढ़ता और साथ ही साथ जो हालात नेपाल के साथ इस वक्त हैं उनमें और ज़्यादा मधुरता आएगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। जाएंगे दो दिन के दौरे पर नेपाल, कौन सी संजीवनी लेकर नेपाल जाएंगे मोदी, क्या व्यापार के सहारे रिश्ते भी सुधरेंगे, भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों को अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दो दिन के नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में पड़ोसी मुल्कों से भारत के रिश्तों में सुधार लाने की बात पर जोर दिया था। लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के महा अतिथियों ने शिरकत की। मोदी सरकार ने शुरू से ही अपनी विदेश नीति को ज्यादा तवज्जो दी। माना जा रहा है कि मोदी के नेपाल दौरे पर दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही भारत नेपाल के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर नेपाल में काफी उत्साह है। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कुमार कोइराला प्रोटोकॉल तोड़कर खुद नरेंद्र मोदी को लेने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाएंगे। यहां मोदी के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, साथ ही उन्हें 19 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र पांडे ने मोदी के दौरे पर क्या क्या बातें कही। नरेंद्र मोदी के दो दिन के आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती मजबूत होगी और भरोसा बढ़ेगा। इस दौरे पर बिजली व्यापार पनबिजली विकास के क्षेत्र में सहयोग की राह भी खुलेगी। साथ ही भारत और नेपाल के बीच निकट सहयोगपूर्ण रिश्ते में सुधार होगा। आर्थिक सहयोग से लेकर सुरक्षा और पर्यटन विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। इसके बाद मोदी संविधान सभा को संबोधित करेंगे, जो कि संसद के रूप में भी काम कर रही है। सोमवार को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे और विशेष पूजा करेंगे। नेपाल की दो दिन की यात्रा के दौरान मोदी कई राजनीतिक दलों और उद्योगपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। गौरतलब है कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भूटान दौरे से अपने विदेशी दौरों की शुरुआत की थी। खबर ये भी है कि इस दौरे पर मोदी दोनों मुल्कों के बीच हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले पर्यटन के मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। इसके तहत काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर और बनारस में स्थित विश्वनाथ मंदिर को सीधे जोड़ते हुए पर्यटन रूट के विकास पर भी सहमति बन सकती है। मोदी देश की संविधान सभा को संबोधित करने का सम्मान हासिल करेंगे। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र बहाली के बाद संसद को संबोधित करने वाले वे पहले नेता होंगे। इससे पहले 1990 में ही जर्मन चांसलर हेलमुट कोल को ये सम्मान मिला था। नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल सरकार ने अपनी चारों राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को मोदी की यात्रा के दौरान मुस्तैद रहने को कहा है। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का एक जत्था नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क साधे हुए है। मोदी के नेपाल दौरे के यूं तो कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि भारत और नेपाल के व्यापारिक रिश्तों में कितना सुधार आएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए नमित त्यागी की रिपोर्ट। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 17 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा हो रही है जो द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में यात्रा जरूर की थी, लेकिन वो द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी। शार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में काठमांडू जरूर गए थे। इससे पहले अगर बात की जाए तो 1997 में इंद्र कुमार गुजराल जो हैं वो नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 17 सालों में जो हालात हैं भारत और नेपाल के बीच में बदले हैं या नहीं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राजीव त्यागी साहब प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, अनिला सिंह बीजेपी से, और साथ ही साथ बीडी मिश्रा साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। बीडी मिश्रा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ, उम्मीदें क्या हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जा रहे हैं नेपाल, लेकिन 17 साल का गैप रहा है।
जहां तक भारत की सरकार का सवाल है जी, ये पिछले कई सालों में इसमें बड़े बदलाव आए हैं। पिछले 10 सालों में जो सरकार थी उसकी फॉरेन पॉलिसी कुछ अलग थी, और उस फॉरेन पॉलिसी के तहत उस वक्त की सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि सार्क देशों से उनका संबंध अच्छा हो और उस संबंध को और गहरा बनाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ के समय भी यही समझा था कि सार्क देशों के साथ उनका संबंध अच्छा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सार्क देशों के अध्यक्षों को बुलाया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में। तो मैं समझता हूं कि अब परिपेक्ष अलग हो गया है और अब भारत सार्क देशों को, जो उसके पड़ोसी हैं, उनको एक खास महत्व देना चाहता है। इस वजह से पहली यात्रा हमारे प्रधानमंत्री की भूटान की हुई और दूसरी यात्रा नेपाल की हो रही है। अनिल जी, जो ये यात्राएं करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरीके से बीडी मिश्रा साहब ने भी कहा कि भूटान की यात्रा की और उसके बाद अब जो है नेपाल को भी तवज्जो दी जा रही है, 17 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये द्विपक्षीय यात्रा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर और NDA एक सरकार के तौर पर, जो भारत की सरकार है उसके तौर पर, इस नेपाल यात्रा को किस तरीके से देख रही है? देखिए, जहाँ तक NDA सरकार का है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का है, तो पड़ोसियों से रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे रहें, इस चीज़ पर जोर है। और उसी तहत ये जो हैं अपने जो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ मिलना भी होगा और उनके साथ हर प्रकार के रिश्ते जो दोनों ही देश के लिए अच्छे रहेंगे वो कायम भी किए जाएंगे। तो अभी जैसा उन्होंने बताया, अभी भूटान गए थे, नेपाल गए थे, फिर ब्रिक्स सम्मेलन में भी गए थे, पर अभी तो बात हमारी नेपाल की हो रही है। तो प्रयास नरेंद्र मोदी जी का यही है कि वो कहीं मजबूती देने की कोशिश है, खासकर पड़ोसियों का। राजीव त्यागी साहब, जब सवाल यही है, जिस तरीके से बीडी मिश्रा साहब ने कहा कि सार्क देशों को जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी पिछली सरकार वो नहीं दे पाई, अब उस पर कहीं ना कहीं जो है बढ़त हासिल करती हुई NDA सरकार नजर आ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता बीडी मिश्रा साहब की किसी भी तर्क में कोई चांद है। सार्क देशों के संबंध जो है कांग्रेस पार्टी ने शुरू किए थे और उस टाइम से लेकर के आज तक सभी देशों से संबंध मधुर है। दूसरी बात, मैं नेपाल के परिपेक्ष में कहना चाहूँगा कि नेपाल से भारतवर्ष के रिश्ते प्राचीन काल से हैं और दोनों के रिश्ते निश्चित रूप से भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषा के आधार पे और धार्मिक आधार पे दोनों का एक इंटैक्ट बंधन है। पूरा पूर्णतया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों का फ्री ट्रेड है, दोनों का नागरिक दोनों की सीमाओं में एक बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट के मूव कर सकते हैं। और जो 1950 की संधि हुई थी नेपाल के साथ, उस संधि के हिसाब से नेपाल और भारतवर्ष के रिश्ते मजबूत है, मजबूत रहेंगे। रही बात मोदी जी के प्रयास की, तो निश्चित रूप से मोदी जी अगर वहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त कोई भी होते, UPA के सरकार के टाइम पे निश्चित रूप से पॉलिसी मैटर था कि सभी देशों के साथ प्रधानमंत्री टच करेंगे। तो मनमोहन सिंह साहब ने भी कई देशों की यात्रा करके बहुत सारी ट्रीटीज करने का काम किया था और उन ट्रीटीज में आतंकवाद निरोधी ट्रीटीज कम से कम उस वक्त करीब करीब देशों की बात अगर करना एक मिनट में कंप्लीट कर लास्ट आतंकवाद विरोधी जो ट्रीटीज हुई थी वो करीब करीब 60 देशों के साथ ट्रीटीज हुई है पिछले 10 साल में। तो ये निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नेपाल से मधुर संबंध रहे, अच्छे संबंध रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से जब जा रहे हैं तो भारतवर्ष के हितों का ध्यान रखेंगे और नेपाल के लोग बाग अपने हितों का ध्यान रखेंगे, तो कहीं भी नेपाल और भारत के हितों का क्लैश ना हो, ऐसी नीति सरकार की होनी चाहिए। 1950 के समझौते का जिक्र यहां पर बीडी मिश्रा साहब किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कई सवाल इस समझौते पर लेकर उठ रहे हैं। नेपाल की अगर बात की जाए तो एक वर्ग ऐसा है जो ये आरोप लगा रहा है कि असमानता का ये जो समझौता है ये साबित करता है, तो क्या अब ये वक्त है कि अब इस पर भी सोचा जाना चाहिए? मैं आपको दो चीजें कोट करना चाहूंगा जी। एक मैं नटवर सिंह जी को कोट करना चाहूंगा जो कि आजकल बहुत न्यूज में है, ठीक। और दूसरा मैं कोट करना चाहूंगा जनरल सिन्हा को, जनरल SK सिन्हा को, जो कि वहां पर पहले एम्बेसडर थे। जनरल SK सिन्हा जब एम्बेसडर थे तो वो उस वक्त के महाराजा से मिलने गए थे और महाराजा सिर्फ उन्हीं को
तपाही कहते थे और किसी को तपाही नहीं कहते थे, बाकी सबको तिमी कह के एड्रेस करते थे। तो जनरल सिन्हा को जो वहां के राजा थे उन्होंने कहा कि आप एक बड़े देश के राजदूत हैं और आप लोग यह समझते हैं कि मेरा देश छोटा है और इसलिए आप लोग एक डोमिनेटिंग पोजीशन में अपने को रखना चाहते हैं। तो जनरल एस के सिन्हा का आंसर यह था कि जो शरीर है, शरीर के ऊपर सिर बहुत छोटा होता है लेकिन सिर की महत्ता होती है, और उसी तरीके से भारत के नक्शे पर आपका एक महत्व है और आप ऊपर हैं। तो कहीं न कहीं नेपाल के लोगों के या नेपाल के प्रशासन के दिमाग में यह बात रहती है कि हम छोटे देश हैं, और वो छोटे देश होने की वजह से उनको एक कोई शंका रहती है। लेकिन अगर उनको यह महत्व दिया जाए जो अभी के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनको 2 महीने टेक ओवर किए हुआ है और नेपाल जा रहे हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल जाहिर है। दूसरी बात, मैं नटवर सिंह जी को कोट करना चाहता हूं। नटवर सिंह जी यह कह रहे थे कि सार्क देशों को हम लोगों ने बहुत दिन तक निग्लेक्ट किया हुआ है, इसलिए आवश्यक यह है कि हम सार्क देशों से अपना संबंध बढ़ाएं। यह मैं कोट अनकोट में कह रहा हूं, और मैं यह समझता हूं कि सार्क देशों से हमारे देशाध्यक्ष को अच्छा संबंध बनाना एक बहुत अच्छी बात है और एक करेक्ट सिग्नल है। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या अब इतनी तवज्जो नेपाल को जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई है, और क्या जो 17 साल का ये लंबा गैप आया है इसके बाद जो संबंध है वो उतने बदल रहे हैं या नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो अब नेपाल की यात्रा करने वाले हैं, क्या अब मॉडिफाई जो कूटनीति की बात यहां पर हो रही है नेपाल के साथ, क्या वो मॉडिफाई होगी या नहीं होगी? क्या कुछ हो सकता है मॉडिफाई, अगर होती भी है कूटनीतिक विदेश संबंध नेपाल के साथ? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या भारत मॉडिफाइड करेगा नेपाल नीति? संबंधों को रणनीतिक बनाने की जरूरत। कौन सी संजीवनी लेकर नेपाल जाएंगे मोदी? हम नेपाल की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करते हैं और उसका भला चाहते हैं, लेकिन एक बच्चा भी ये जानता है कि भारत से गुजरे बिना कोई नेपाल नहीं पहुंच सकता। इसलिए अन्य किसी देश के नेपाल के साथ उतने घनिष्ठ संबंध नहीं हो सकते जितने की भारत के। यह बात जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में भारतीय संसद में कही थी। तब से लेकर अब तक सामरिक परिदृश्य और चुनौतियां काफी बदल चुकी हैं। क्या ऐसे में उसी परंपरागत नीति पर चलना क्या उचित रहेगा जिसने दोनों देशों के बीच गतिरोध पैदा कर दिए हैं? क्या इसमें अब बदलाव की जरूरत है? पिछले दिनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नेपाल की यात्रा पर गई थी, जिसका मूल मकसद नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का रोड मैप तैयार करना था। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने को लेकर कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें भारत और नेपाल के बीच शांति और मैत्री संधि की समीक्षा पर सहमति भी है। भारत नेपाल द्विपक्षीय व्यापार $4.7 अरब का है, और नेपाल में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का योगदान 17% है। इसके अतिरिक्त 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रोजगार पाते हैं, पर रणनीतिक रूप से नेपाल भारत के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नेपाल की 1850 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लगती है। अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट का कार्य करता है। नेपाल की इसी स्थिति का लाभ चीन और नेपाल के अंदर मौजूद कुछ रणनीतिक एवं नस्लीय समूह उठाने का प्रयास करते रहते हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ चीन ने उठाया और पाकिस्तान के राजक तत्वों ने भी। चीन तिब्बत से नेपाल तक रेल संपर्क का विस्तार करने का निर्णय काफी पहले ले चुका है। सुषमा स्वराज की नेपाल यात्रा से एक दिन पहले चीन ने यह घोषणा की कि 2020 तक ल्हासा से लुम्बिनी तक उसकी रेल यात्रा शुरू हो जाएगी। सवाल यह है कि चीन और माओवादी समर्थकों द्वारा नेपाल बार बार निशाना बनते जा रहा है, ऐसे में बीजिंग को तवज्जो देना हमारा कितना उचित है? नेपाल में अगर निवेश की बात की जाए तो निवेश तो हम कर ही रहे हैं, वहाँ उसके कूटनीतिक और हमारे साथ रणनीतिक स्तर पर हमारी अक्षमता भी कहीं ना कहीं दिखती है। अगर बात करें, नेपाल ISI का एक मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गणेश पाठक, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है
कि अब जो रिश्ते गढ़ने की कोशिश हो रही है उसके बाद किस तरीके के नए आयाम यहाँ पर गढ़े जाएंगे। बीडी मिश्रा साहब से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से रिपोर्ट में भी यहाँ पर बीडी मिश्रा साहब जिक्र किया गया है, चीन को अगर एक परिप्रेक्ष्य में रखा जाए तो ये जो यात्रा होगी तो चीन के परिप्रेक्ष्य से किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के बारे में अगर आप सोचते हैं और बात करते हैं तो चीन और पाकिस्तान ये दोनों को परिप्रेक्ष्य में रख के बात करना पड़ेगा और दोनों देश उनका संबंध आपस में भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारी 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं और चीन के साथ भी हमारी लड़ाई हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान आपस में नजदीक हैं और नेपाल से भी नजदीक हैं। और इस बात को हमने पिछले कई सालों से इस नजरिए से नहीं देखा था कि नेपाल का एक स्ट्रेटजिक महत्व है और नेपाल में जो वल्नरेबिलिटी है वो इन दोनों देशों से है और इसलिए इसको एक स्ट्रेटजिक परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि शायद यह सरकार इस बात से जागरूक है। ठीक है अनिला जी, अब तक जो एक वर्ग ऐसा है नेपाल में जो ये समझता है कि नौकरशाही के अंदर नेपाल से जुड़े जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप बढ़ा है जिसकी वजह से एक असंतोष उपजा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यात्रा करने जा रहे हैं उसके बाद जो फैसले लेने का जो एक आयाम गढ़े जाएंगे वो राजनीतिक स्तर पर होंगे या नौकरशाही के स्तर पर? देखिए, इन दोनों चीज़ को अलग नहीं किया जा सकता है। शासन प्रशासन जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर ये कहा जाए कि भाई राजनीतिक जो दरिया है उसको हम अलग कर दें और नौकरशाही को अलग कर दें तो ये तो हो नहीं सकता है। तो दोनों मिलकर ही जो भी वहाँ पे काम होंगे, जो भी वहाँ पे फैसले होंगे, फैसले तो राजनीतिक तौर पे हो जाएंगे पर उनको इम्प्लीमेंट तो नौकरशाही करती है। नहीं, नौकरशाही अगर अब तक ज्यादा अगर उसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो अब तक जाहिर है यही समझा जाता है कि तमाम जो कूटनीतिक संबंध हैं वो नौकरशाही स्थापित करते हैं या उनके बारे में जो तमाम रणनीतियां तय की जाती हैं वो नौकरशाही ज्यादातर इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। नरेंद्र मोदी या किसी भी राजनेता की एक सीमित अवधि है या उनकी एक सीमाएं हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उससे आगे बढ़कर कुछ नेपाल के लिए खास करेंगे? देखिए, जो भी कुछ होगा दोनों देशों के बीच में, जो भी नेतृत्व है वहाँ का, चाहे इधर से नरेंद्र मोदी जी और उधर से कोइराला जी, जो भी फैसले लेंगे तो डेफिनेटली जो नेपाल के शीर्ष नेतृत्व है वो अपने देश को ध्यान में रखते हुए करेंगे, हमारे जो नेतृत्व है वो हमारे देश को ध्यान में रखते हुए करेगा और दोनों ही देश के लिए जो भला होगा वो मिल बैठ के शायद जो भी प्लान करेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हाइड्रो पावर रिसोर्सेज है जो नेपाल को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे देश को भी ज़रूरत है, और या फिर वहाँ से जो नदियाँ जो बहुत बड़ी बाढ़ का कारण बन जाती हैं उसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो भी मेरे ख्याल से डिस्कशंस होगा और जो भी कंक्लूजन निकलेगा तो दोनों ही देशों को दिमाग में रखते हुए दोनों ही राजनीतिक नेतृत्व है वो डिसीजन लेंगे। आपसे कमेंट लेना चाहता हूं, जो ये 17 साल का जो वक्त बीता है उसमें से 10 साल का कार्यकाल यूपीए सरकार कर रहा है, हमें जितना तवज्जो यहां पर नेपाल को दिया जाना चाहिए था हम नहीं दे पाए? राजीव जी, देखिए, बात तवज्जो की नहीं, बात यह है कि दोनों ही देशों के हित क्या है और हमें निश्चित रूप से भारतवर्ष का हित देखना है। 1975 में जब सिक्किम का विलय हुआ था तो नेपाल ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी और 1988 में जब हम लोबाग ये चाहते थे, 88 में जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, हम लोबाग ट्रांजिट और ट्रेड ट्रीटी चाहते थे नेपाल से, लेकिन उस वक्त नेपाल ने कहा कि हम आवागमन जो नागरिकों का है उस पर कोई ट्रीटी नहीं करना चाहते, सिर्फ ट्रेड पे ट्रीटी करना चाहते, जिसकी वजह से 89 पे नेपाल पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि नेपाल के नागरिक जितने चाहे उतने आ जाए। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से मोदी सरकार को 3-4 मुद्दों पर विशेष रूप से बात करनी होगी। पहली बात तो ये ट्रांजिट ट्रीटी इसका क्या शक्ल लेगी, कैसी लेगी, नंबर एक। नंबर दो, जो कोसी का पानी है उस पे क्या होगा। नंबर तीन, माओवाद जो नेपाल में घर कर गया जिसमें चाइना का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, तो उस पे नेपाल सरकार की क्या नीति रहेगी। और नंबर चार, जो बहुत महत्वपूर्ण, जो बख्शी साहब ने कहा, आईएसआई का जो गढ़ बन गया है नेपाल, उस पे हमें निश्चित रूप से कार्रवाई करानी होगी नेपाल सरकार से, जिससे कि भारतवर्ष के हित बिल्कुल ठीक से रहे और भारतवर्ष के हित सुरक्षित रहे। सवाल यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर राजीव जी ने भी कहा और तमाम बीडी मिश्रा साहब ने भी कहा कि हम
क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? और सवाल ये भी है कि अब तक जो समझौते नेपाल के साथ किए गए हैं, क्या उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा या नरेंद्र मोदी कुछ नेपाल के लिए नया लेकर आने वाले हैं जिससे कि ये पड़ोसी देश हमारे और ज़्यादा करीब आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।